प्रीवियस लेक्चर में जैसा हमने आपसे बात किया था कि सिमेट्रिकल नेटवर्क सिमेट्री एज अ नेम इट इज़ क्लियर दैट टू नेटवर्क आर सिमेट्रिकल दैट मीन्स बोथ नेटवर्क हैव सेम प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दैट इज़ अ करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस एंड प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट। मतलब कहने का मतलब जैसे ये चाक और ये चाक दोनों सिमेट्रिकल हैं। किस रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हैं कि दोनों चाक क्या कर रहे हैं, इनका रिजल्ट क्या है, लिख रहे हैं ना, ये दोनों चाक क्या करेंगे। अगर हमें इनमें सिमेट्री ढूंढना है तो इसका मतलब बंद कर दो बेटा, इसका मतलब ये है कि इनकी कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर है। दूसरा ये हो सकता है, सिमेट्रिक की बात करें तो दूसरा ये भी हो सकता है कि ये दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं ना। तो इसी तरीके से जब दो नेटवर्क सिमेट्रिकल होते हैं, हम लोगों ने नेटवर्क की डिफिनीशन देखा हुआ है, नेटवर्क इज कनेक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल मे आर मे नॉट बी क्लोज, सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर कॉल्ड नेटवर्क। तो मान लो एक नेटवर्क ए बन गया कुछ रजिस्टिव कंपोनेंट लगा के, एक नेटवर्क ए बन गया, तो दोनों सिमेट्रिकल कब हैं, कब होंगे, तो उसमें से इसकी प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब अगर रियल टर्म में बात करें तो दैट इज अ रेजिस्टेंस। क्यों, इम्पीडेंस मतलब क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, रियल भी है और इमेजिनरी भी है, लेकिन रियल की बात करें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिबाधा, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। तो R बराबर क्या, V बराबर क्या होता है, आई आर, तो प्रतिबाधा R निकालना हो तो क्या हो, B अपान आई, तो बी अपान आई अपान बी की बी अपान आई, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना इन हाई स्कूल में, B बराबर आई आर, तो R बराबर V अपान आई। तो अगर इन दोनों नेटवर्क का करेक्ट इम्पीडेंस निकाला जाए B बाई आई, इनपुट की तरफ से भी निकाला जाए, आउटपुट की भी तरफ से निकाला जाए, अगर सेम इम्पीडेंस अगर आए तो हम इस नेटवर्क कहते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। क्या बोलते हैं, अब देखने में भी, पिछले लेक्चर में आपने वीडियो देखा होगा, उसमें देखने में भी एक मिरर रख दो बीच में, अगर इस इधर का इम्पीडेंस Z1 आ रहा है, अगर टी नेटवर्क की बात किया है तो Z1/2, इधर भी Z1/2 है, मिरर लगा हुआ है, तो देखो तो सिमिलर दिखता है नेटवर्क, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। या जनरली डिप्लोमा क्लासेज में बात ये किया जाता है टोटल सीरीज आर्म्स का रेजिस्टेंस Z1 होना चाहिए और टोटल पैरेलल आर्म्स का रेजिस्टेंस Z2 अगर आ रहा है तो उस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, तो टी मतलब जैसे कोई कह रहा है टी नेटवर्क बना दो, तो हम लोग ABCD जो अल्फ़ाबेट टी जैसा दिखता है वैसा अगर बना दें तो उसको हम लोग बोलते हैं टी नेटवर्क। क्या बोलते हैं, तो सिमेट्रिकल की डिफिनीशन आपने वीडियो देखा होगा, अच्छे सब समझ में आ गया होगा। अब उसी का हम लोग करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में सिमिलर है कि नहीं है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट देखना चाह रहे हैं इनपुट साइड आउटपुट साइड से, सिमिलर आ रहा है कि नहीं, सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अभी हम लोगों ने एज सच देख लिया कि देख के ही बता सकते हैं कि सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है तो एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क का हम लोग करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालने की कोशिश करेंगे अभी। तो इम्पीडेंस से ही हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए कि दैट इज़ अ रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करेंट। तो हमने KVL अभी पढ़ा नहीं है, तो विदाउट यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लोग क्या निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, तब हेडिंग डालिए करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। देखना ये कवर कर रहा है, यहाँ तक हाँ पूरा कवर ना, ठीक। करेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इसलिए बोलते हैं कि हायर क्लासेज में इंडक्टर भी आ जाते हैं ना, तो उसको रियल और
इमेजिनरी टर्म दोनों आने लगते हैं, तो हाँ रेजिस्टेंस नहीं इम्पीडेंस बोला है, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सेमेट्रिकल टी नेटवर्क, सेमेट्रिकल टी टी नेटवर्क, सेमेट्रिकल टी नेटवर्क। अब टी क्या बता देंगे तो पाई क्या कर लोगे ना, क्यों अब देखो बेटा ध्यान से देखते रहना, पहले तो टी नेटवर्क है तो टी हम लोग बना लेना, टी टी में आपने लेक्चर में देखा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने टी सिमेट्रिकल नेटवर्क लिया हुआ है, तो टी आम टी बना देंगे, उसमें तीनों में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, जनरली इम्पीडेंस बोल रहे हैं आपकी क्लासेज में, तो इसलिए हमने भी यूज़ किया है इसको इम्पीडेंस, लेकिन जब रेजिस्टेंस का सिंबल बना रहे हैं तो रेजिस्टेंस ही बोलना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम भी इसी को बोल रहे हैं दिस इज़ अ इम्पीडेंस। अब बेटा इसमें कितने पोर्ट हैं, टू पोर्ट, इस नेटवर्क को टू पोर्ट नेटवर्क भी बोलते हैं। अगर टर्मिनल की बात किया है तो ये वन वन डैश टू टू डैश, इसमें हमने टी नेटवर्क में सिमेट्रिकल में इसकी वैल्यू हमने लिया था जेड वन बाई टू, आपने देखा होगा इसकी वैल्यू क्या लिया था जेड वन बाई टू, इसकी वैल्यू क्या लिया था जेड टू, ठीक। ए सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है, हमने पिछले क्लासेज में बताया था यहाँ सीसा रख लो, तो इधर भी जेड वन बाई टू दिख रहा है, इधर भी जेड वन बाई टू, तो सिमेट्रिकल लग रहा है ना, ये नेटवर्क कौन सा है सिमेट्रिकल। या कहते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टी में टोटल सीरीज में आर्म्स कितनी है, देखो सीरीज सीरीज मतलब जहाँ से जा रहे हो लगातार बना रहे हैं, देखो ए बी ए बी, ये दोनों क्या हैं सीरीज, तो इसकी वैल्यू जेड वन बाई टू है, इसकी वैल्यू जेड वन बाई टू, तो टोटल कितना हो जाएगा जेड वन बाई टू प्लस जेड वन बाई टू कितना होगा जेड। पैरल ए इसको बोलते हैं संट, क्या बोलते हैं ए, देखो दोनों के बीच में लगा है ना, तो इसको बोलते हैं संट, तो संट की वैल्यू कितना है जेड टू। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क में टोटल सीरीज आर्म्स का इम्पीडेंस की वैल्यू जेड वन होगी और टोटल संट इम्पीडेंस की वैल्यू जेड टू होगी, तो लिख दें टोटल इम्पीडेंस ऑफ सीरीज आर्म्स, टोटल मतलब पूरा, टोटल इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क, ऑफ सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क कितना है भाई जेड वन बाई जेड टू प्लस टोटल इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क इन अ सीरीज आर्म्स आर टोटल सीरीज आर्म्स इम्पीडेंस, मतलब सीरीज में कितना है टोटल सीरीज आर्म्स माने भुजा आर्म्स, ये लिखा इसलिए रहे कि आपको लिखना है तभी नंबर मिलेगा, आर्म्स इम्पीडेंस, इम्पीडेंस कितना है टोटल सीरीज में बोलो जेड वन, जेड वन बाई टू प्लस जेड वन बाई टू, मतलब आप सिमेट्री देखने के लिए कर सकते हैं ठीक है जेड वन, और टोटल सन टर्म्स टोटल संट आर्म्स इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज इक्वल टू जेड टू, ठीक है। ये तो सिमेट्रिकल नेटवर्क हमने चेक कर लिया।
और सिमेट्रिकल नेटवर्क खास बात ये होती है बेटा, चाहे इधर से इम्पीडेंस निकालिए चाहे इधर से इम्पीडेंस निकालिए, दोनों इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर। तो हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ज़्यादा हम डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए बता दे रहे हैं। जैसे ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से दिल्ली तक बिछी हुई है फाइबर केबल, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है ना, कोई भी चीज़ में जैसे यही आए बिजली आई हुई है तो एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों बहुत दूर से आई हुई है ना, कहीं से जनरेट होगा, यहाँ हम लोग के कॉलेज तक पहुँच रही हैं। तो किसी भी टर्मिनल पे वोल्टेज और करंट के रेशियो को हम लोग बोलते हैं करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, क्योंकि वोल्टेज करंट जो निकली हुई है वही सेम होगी इंटायर ड्यूरेशन ना, लेकिन वोल्टेज थोड़ा थोड़ा लॉस होता जाता है ना, तो वोल्टेज और लेकिन करंट का रेशियो क्या होता है, बराबर बना रहता है इंटायर लाइन। इंटायर लाइन क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है इम्पीडेंस होता है वो बराबर रहता है, मतलब रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। समझ गए कि नहीं, वोल्टेज कम भी होता रहेगा, मान लो यहाँ से है रायबरेली में, हो सकता है कोई थोड़ा वोल्टेज कम हो गया हो, वोल्टेज ड्रॉप हो गया हो, लेकिन करंट सेम, करंट हो सकता है ज़्यादा कम, मतलब उसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। क्या है रेशियो, उसी रेशियो को हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ठीक है। तब निकालना किसका है, टी का। तो टी का करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालने के लिए बेटा दो तरीके हैं, या तो हम लोग इन भुजाओं के टर्म में निकाल दें, मतलब कि ये सीरीज इम्पीडेंस क्या है, Z1 है ना, टोटल कितना है Z1, Z1 के टर्म में करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाल दें, या Z2 के टर्म में निकाल दें, मतलब करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ सीरीज इम्पीडेंस एंड शंट इम्पीडेंस निकाल सकते हैं, या दूसरा निकाल सकते हैं करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ ओपन सर्किट आर इसको शॉर्ट, ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले इनके टर्म में करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को निकालेंगे। जनरली सिंबल ऑफ करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज Z0, क्या Z0। तब Z0 को हम निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सीरीज आर्म्स इम्पीडेंस एंड शंट आर्म इम्पीडेंस, मतलब Z0 की जो वैल्यू आएगी उसके किसके टर्म में आएगी, Z1 Z2 के टर्म में, ठीक है। देखा जाए, देखिए प्रोसीजर कैसे निकाला जाता है। ए करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ये निकाल क्यों रहे हैं बेटा, इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 भी लिख सकते हैं ना, या सीरीज आर्म्स सीरीज इम्पीडेंस एंड शंट इम्पीडेंस, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, आप Z1 Z2 भी लिख सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हो सीरीज मतलब Z1 और शंट मतलब Z2। इन टर्म्स ऑफ सीरीज आर्म्स एंड शंट आर्म्स इम्पीडेंस, मतलब तरीका सीखना है केवल, नेटवर्क है इसमें रटना उठना कुछ नहीं है, इम्पीडेंस, ठीक। अब इसको सीरीज और शंट टी नेटवर्क है, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, ध्यान से देखना है यहाँ पे, वन वन डैश टू टू डैश, ये Z1 बाई टू ए Z2, ठीक। अब अगर यहाँ पे मान लें करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z2 से आप टर्मिनेट कर दे रहे हैं, यहाँ पे लोड जो लगा रहे हैं वो जो निकालना है
वही वैल्यू आप लगा दे रहे हैं, जेड नॉट। जेड नॉट ही कैलकुलेट करना है हम लोग को, क्यों? तो हमने लाइन के एंड पे जो लोड लगा रहे हैं वो किसने वैल्यू की, जेड नॉट की, ठीक है। इसी को निकालना है, किसके टर्म में निकालना है, जेड वन और जेड टू। लेकिन हम लोग सिमेट्रिकल नेटवर्क की प्रॉपर्टी देखे हैं, जो आउटपुट साइड इम्पीडेंस होगा वही इनपुट साइड। तो अगर आउटपुट में आपने जेड नॉट लगा दिया है तो इनपुट साइड कितना होगा, जेड नॉट ही होगा। तो अगर हम पूछें कि बेटा देखो फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क इसकी वैल्यू यहाँ पे जेड इन है इनपुट साइड में, तो जेड इन की वैल्यू क्या होगी, जेड नॉट। क्यों जेड नॉट होगी, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क। सिमेट्रिकल नेटवर्क मतलब ये होता है कि जो लोड पे होगा वही सोर्स पे होगा, तो इसको बोलते हैं ड्यू टू सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ टी नेटवर्क। ड्यू टू सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ टी नेटवर्क नेटवर्क समझ गए ना। अब क्योंकि लोड पे जेड नॉट कनेक्ट किया तो इनपुट साइड भी वही होगा, क्योंकि हमने लिया ही है क्या है, सिमेट्रिकल नेटवर्क। इतना समझ आएगा कि नहीं बताओ, पीछे बेटा समझ आ गया ना, मतलब सिमेट्रिकल मतलब जो लोड पे है वही सोर्स पे होगा। तो लोड पे हमने जेड नॉट लगा दिया जिसको निकालना है, तो सोर्स पे कितना हो जाएगा, जेड नॉट। अब देखो, अच्छा दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे रहते हैं तो आप लोग कैसे निकालते हो, जैसे मान लो जेड वन, यहाँ जेड वन है, यहाँ टू जेड वन है, ये दोनों सीरीज में है पैरेलल, क्योंकि सेम करंट जहाँ जाती है वो सीरीज होते हैं, जहाँ अलग अलग करंट जाती है वो, तो सीरीज में क्या करते हो, जोड़ देते, जुड़ जाता है कि नहीं, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, जेड टोटल, जेड इक्विलेंट क्या होगा, जेड वन प्लस टू जेड वन और इज इक्वल टू थ्री। अगर ये कहें ये पैरेलल है सीरीज, क्यों, क्योंकि अलग अलग मान लो ये दो ओम है, जेड वन है जेड टू है, तो इसमें कुछ और करंट जाएगी और इसमें कुछ है और, तो इसका इक्विवेलेंट निकालने का अलग तरीका है। जल्दी करना हो तो क्या करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं, कॉर्नर वाला बेटा देखते तो रहो, दोनों का गुणा करते हैं और दोनों को, ये पता है सबको ना, तो इसमें जेड वन इंटू जेड टू, जेड टू डिवाइड बाई जेड वन प्लस ना। अच्छा सीरीज पैरेलल पहचान लोगे कि नहीं, जिसमें सेम करंट हो सीरीज, जिसमें अलग अलग करंट हो पैरेलल। तो अब हम कहें बेटा यहाँ आँख लगाओ, यहाँ अपनी आँख रखो, तो देखो यहाँ 10 लीटर अगर पानी जा रहा है, मान लो ये नाली है, नाली यहाँ 10 लीटर पानी जा रहा है, तो कुछ यहाँ पानी जाएगा, मान लो ये 2 लीटर या 3 लीटर जो भी जा रहा है, 3 लीटर यहाँ गया, तो इधर बाकी इधर चला जाएगा। मान लो 7 लीटर जा रहा है, तो 7 लीटर इसमें भी जाएगा ना, जाएगा कि नहीं। जहाँ सेम पानी या सेम करंट रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज, क्या बोलते हैं, और सीरीज में क्या होता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ से हम टोटल इम्पीडेंस निकालना है, ए और ए क्या है, सीरीज है पैरेलल, पक्का सबको समझ आ गया ना, और ए सीरीज है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना, बताते रहिएगा आप लोग। दोनों को कितना है बताओ, जेड वन बाई टू प्लस प्लस जेड नॉट, वेरी गुड, होना रहेगा